की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमारे क्लाइंट्स ने हमें दो टोटली डिफरेंट हैवी दुपट्टाज दिए और कैसे हमने उनके अराउंड दो टोटली डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशनल वेयर जो आउटफिट्स हमको प्रिपेयर किया। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपके पास भी हैवी दुपट्टाज हैं और आप भी ऐसे आइडियाज की तलाश में हैं कि उनके साथ किस टाइप के इंडियन वेयर को आप पेयर अप कर सकते हैं, तो ये वीडियो आई थिंक आपको काफी हेल्प करेगी। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम हर रोज नई वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आए, फॉर दैट मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले बांधनी दुपट्टा, इसके साथ हमने प्लान आउट किया एक कुर्ता और प्लाजो सेट। कुर्ता एंड प्लाजो सेट का जो फैब्रिक है वो हमने लिया है सेमी प्योर जॉर्जेट हमने इसे लिया है। सबसे पहले इसमें जब कलर डाई करवाते हैं तो काफी रिच कलर्स आते हैं। इस बांधनी दुपट्टा का ये जो मरून कलर था, इट्स अ वेरी रिच कलर, वेरी रिच एंड डीप कलर। तो ये जो कलर है ये सेमी प्योर या सेमी प्योर जॉर्जेट या शिफॉन्स ऐसे फैब्रिक्स पे अच्छा आता है। प्योर पे तो अच्छा कलर डाई होता ही होता है, बट सेमी प्योर हमने यहाँ पे चूज किया है। एक रीजन ये था कि कलर इस पे बहुत रिच आता है डाई करवाने के बाद। सेकेंडली, समर फ्रेंडली फैब्रिक है क्योंकि सेमी प्योर जॉर्जेट में नेचुरल फाइबर का कॉम्पोजिशन है, सिल्क का कॉम्पोजिशन है, जो कि इसे एक कूल फैब्रिक की कैटेगरी में लेके आता है। लाइट वेट है, स्किन ब्रीदेबिलिटी रहती है इसमें। सो इन मल्टीपल रीजंस की वजह से हमने इसे सेमी प्योर जॉर्जेट में बनाया। आप चाहते हैं तो इसे प्योर जॉर्जेट में भी बना सकते हैं। सेमी प्योर और प्योर दो ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे। अगर आप सिंथेटिक जॉर्जेट्स में बनवाते हैं स्किन की ब्रीदेबिलिटी का इश्यू हो सकता है यहाँ पे, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंथेटिक प्योर और सेमी प्योर जॉर्जेट्स में। बिकॉज दुपट्टा यहाँ पे फोकस पॉइंट है, इसीलिए हमने इसका जो प्लाजो सेट है, कुर्ता और प्लाजो सेट है, इस पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं डाले। सिंपल नेकलाइन रखी है, सिंपल राउंड नेकलाइन है। और इसके अलावा हमने नेकलाइन को, साइड स्लिट्स को, स्लीव्स को, प्लाजो फ्लेयर को हाईलाइट करने के लिए वहां पे गोटा किनारी दे दी है। बांधनी के साथ गोटा वर्क, मिरर वर्क, इट लुक्स सुपर्ब। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनली भी इसी तरीके से पहना जाता है बांधनी को इन टाइप के एम्ब्रॉयडरीज या वर्क के साथ। तो यहाँ पे हमने गोटा किनारी दे दी है यहाँ पे, जस्ट वी केप्ट इट टोटली सिंपल। और फ्रंट में हमने यहाँ पे बटन्स ऐड कर दिए हैं जो कि जूल्ड बटन्स हैं, मेटालिक बटन्स हैं। सो सिंपल और अगर क्लीन एलिमेंट्स अगर आप रखते हैं इस तरीके से, तो ना सिर्फ कलर की ब्यूटी निकल के बाहर आती है, सेकेंडली आपका जो मेन फोकस पॉइंट है, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन योर होल आउटफिट, जो कि आपका दुपट्टा है, वो भी हाईलाइट होता है। फैब्रिक क्वांटिटी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुर्ता के लिए 2.5 मीटर लिया है। फॉर द प्लाजो वी अगेन टुक 2.5 मीटर, तो 5 मीटर का टोटल फैब्रिक है यहाँ पे। सेम क्वांटिटी ही हमने लाइनिंग की यूज की है जो कि कॉटन लाइनिंग है। इन ओवरऑल विद फैब्रिक एंड मेकिंग और हर चीज, जैसे डाई है इसका, द फैब्रिक क्वालिटी, द लाइनिंग्स, हर चीज इंक्लूड करने के बाद ऐसा सूट जो है 2500 से 3000 के बीच में रेडी हो जाता है। Thank you.
सेकेंड है ये ग्रीन दुपट्टा, एक बहुत ही सुंदर पेस्टल ग्रीन था जिसपे इलेक्ट्रिक ब्लू थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तो ये हमारे दुपट्टा था इस कुछ इस तरीके का। तो हमने इसके साथ पेयर अप किया है एक अनारकली और प्लाजो सेट। फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया है कॉटन सिल्क। कॉटन सिल्क इज वेरी वेरी परफेक्ट फॉर समर्स अगेन बिकॉज सुपर अब्सॉर्बेंट होता है। दोनों जो फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स के कॉम्पोजिशन से बना है, ड्रेप्स वेरी वेल और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो समर वेडिंग, समर पार्टीज के लिए कॉटन सिल्क इज अनदर ऑप्शन विच इज लाइक वेरी परफेक्ट। और इसपे भी कलर डाई जो होता है हर टाइप का कलर आ जाता है, फ्रॉम वेरी रिच कलर्स टू अर्दी टोन्स, आप किसी भी टाइप के कलर डाई इसमें करवा सकते हैं। अब हमने इसे नाकली में योक नहीं रखा है। योक क्या होता है, योक आपकी वेस्ट लाइन पे काफी फोकस ले आता है एंड वी डिडंट वांट कि सारा फोकस वेस्ट लाइन पे आए, तो हमने योक हटा दिया और ऊपर से ही जो कलियां हैं उनको स्टार्ट कर दिया और हर कली के जॉइंट पे हमने गोटा की लाइंस लगा दी। तो बहुत ही सटली और इतना ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं है लेकिन बहुत सटल तरीके से बॉडी फ्रेम को इसने डिवाइड कर दिया है। एंड सेकेंड थिंग, हमारी ये जो क्लाइंट है जिनके लिए हमने ये बनाया है, शी हैज ब्यूटिफुल ब्रॉड शोल्डर्स। ऐसे शोल्डर्स वाले लोग आर टोटली ब्लेस्ड क्योंकि आप ब्रॉड बिग राउंड नेकलाइंस, ब्रॉड वी नेकलाइंस आप इजिली पहन सकते हैं, उनके शोल्डर्स पे टिक जाता है, डाइसेक्ट भी कर देता है उनके शोल्डर के फ्रेम को, इस तरीके से भी हेल्प करता है। बट दीज पीपल आर टोटली ब्लेस्ड और ये बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हैं ब्रॉड नेकलाइंस को। सो हमने यहाँ पे इनकी जो नेकलाइन है उसे ब्रॉड राउंड रखा है। अगेन हमने मैट फिनिश्ड गोटा की जो लाइंस हैं वो इसके फ्लेयर पे, स्लीव पे, जो प्लाजो है उसके फ्लेयर पे हमने ये लाइंस को स्टिच करके इस तरीके से रेडी किया है। तो आप कैसे गोटा को एक प्लेन फैब्रिक पे सू कर सकते हैं, कैसे गोटा के डिजाइन एक प्लेन फैब्रिक पे बना सकते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारी दो वीडियोज है, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। बिकॉज ये एक वेडिंग आउटफिट है तो हमने हल्का सा गोटा का हेवी बॉर्डर दिया है फॉर फ्रंट नेकलाइन को हाईलाइट करने के लिए। नेकलाइन है और यहाँ पे जो प्लैकेट है ये हमने गोटा के साथ क्रिएट किया और बीच में हमने सेम कलर के पोटली बटन्स दे दिए हैं। नाउ वी वर स्केप्टिकल हेयर कि हमें ब्लू पोटली बटन्स देने चाहिए या फिर ग्रीन देने चाहिए, बट बिकॉज हम चाहते थे पूरा जो फोकस है वो दुपट्टा की तरफ जाए तो हमने वो जो कलर एलिमेंट है वो इस सूट में कहीं पे भी एड नहीं किया है। सटल मैट फिनिश्ड गोटा के साथ ही सारी डिटेलिंग्स हमने यहाँ पे की है। इस आउटफिट के लिए फैब्रिक हमने कितना यूज किया ये देख लेते हैं। हमने टोटल 7 meters ऑफ कॉटन सिल्क यहाँ पे परचेज किया था, फिर उसका डाई हुआ, देन वी एडेड कॉटन लाइनिंग्स टू इट। तो ऐसा आउटफिट अगर बनाना हो विद फैब्रिक विद मेकिंग तो ये आपको अराउंड 4500 टू 5000 के बीच में पड़ जाएगा। नाउ यू नो कि अगर आपके हैवी दुपट्टास घर पे पड़े हैं तो आप उनको किस तरीके के आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हैं ताकि दुपट्टा ही हाईलाइट रहे आपके पूरे आउटफिट का। दोनों आउटफिट्स में आपने ध्यान दिया होगा कि जो दुपट्टा का बेस कलर है हमने वही पिक करके मेन आउटफिट को बनाया है। इवन कलर हमने टॉप और बॉटम का सेम रखा है बिकॉज बहुत ज्यादा एलिमेंट्स अगर हम मेन आउटफिट पे दे देते हैं तो सारा ध्यान मेन आउटफिट ले जाता और दुपट्टा की तरफ अटेंशन नहीं जाता। तो मेन आउटफिट अपने तरीके से सुंदर है, अपने तरीके से यूनिक है, बट स्टिल वो दुपट्टा को सामने लेके आता है जब हम हर सब चीजों को पेयर करके एक साथ पहनते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम हर रोज नई वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आप चाहते हैं जैसे नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आए, फॉर दैट मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन आप उस पर भी क्लिक करें। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको हमारा काम और हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आपको जाके लाइक बटन को क्लिक करना है। दैट्स इट।
दैट इज द वे कि हमें पता चलेगा कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.